अक्सर मदर्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं जिनकी वजह से मदर्स अपने बेबी को प्रॉपर तरीके से ब्रेस्टफीड नहीं करा पाती। कुछ कंडीशन कॉमन होती हैं जैसे कि इन्वर्टेड निप्पल, फ्लैट निप्पल या निप्पल के छोटा होना। ऐसी कंडीशन में बेबी प्रॉपर तरीके से अटैच नहीं हो पाता और जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क जो एडिक्वेट जाना चाहिए उसकी बॉडी में वो नहीं जाता। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर नूर आलम खान और मैं वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। तो डियर मदर्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि इन कंडीशन में आप किस तरीके से अपनी बेबी को ब्रेस्टफीड कराएं, किस तरीके से आप इस डिफॉर्मिटी को कुछ हद तक करेक्ट करें और किस तरीके से इन चीज़ों को अपने और अपने बेबी के लिए आसान बनाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जो ब्रेस्ट फीडिंग की मेरी बाकी वीडियोज़ हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। खासकर जो ब्रेस्ट फीडिंग के जो मेथड है, ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका है, उस पर जो मैंने वीडियो बनाई है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं आप इस डिफॉर्मिटी को करेक्ट कैसे करेंगे। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा कोई महंगी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक 10 ml की सिरिंज लेनी है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से 10 ml की एक सिरिंज ले सकते हैं। इस तरह की सिरिंज आएगी, इसमें इस तरह की सिरिंज के साथ ऊपर एक निडल लगी हुई होगी। उस निडल को आप डिस्कार्ड करिए, उसका कोई काम नहीं है और आपको ये निडल यूज़ करनी है। इसमें एक नीचे का पार्ट होता है जिसे पिस्टन बोलते हैं, ये पिस्टन है और यहाँ से इसे हम होल्ड करते हैं। नॉर्मली हम इस तरह से सिरिंज को यूज़ करते हैं। अब इस सिरिंज को हमें देखिए, इसका ऊपर वाला पार्ट है जो नोजल है यहाँ पे, इसे हमें काट के हटाना है। हम एक चाकू का यूज़ करेंगे, एक चाकू से आप इसे काट सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसको काट के अलग कर दिया। ये नोजल वाला पार्ट है जिसे आपको पूरी तरह से काट देना है। आप इसको काट के अलग कर देना है, हटा देना है आपको। आपने हटा दिया, अब आपके पास ये सिरिंज आ गई और ये पिस्टन आ गया। इस पिस्टन को आप बाहर निकाल के इसको निकाल के अलग कर दें, दो पार्ट हो गए। अब इस पिस्टन को आपको जो कटा हुआ पार्ट है यहाँ से आपको इंसर्ट करना है, उल्टे पार्ट से। यहाँ से आपको ऐसे इंसर्ट करना है और इस वाले पार्ट को आपको मदर के आंचल से अटैच करना है। मैं आपको समझाने के लिए इस तरह समझा सकता हूँ कि ये मान लीजिए आप, ये मदर का साइड है, मदर का ये आंचल है और ये आपकी डिवाइस है जो आपने तैयार किया है। इसका जो कटा हुआ पार्ट है वो इस तरफ रहेगा और जो पार्ट पहले जहाँ से पिस्टन था वो पार्ट इस साइड में जाएगा, इस तरह से मदर के साइड में जाएगा। मदर के साइड में आपको कटा हुआ पार्ट बिल्कुल नहीं ले जाना है, वरना वो वहाँ की स्किन को डैमेज कर सकता है। आपको स्मूथ वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, आपको ये मदर के साइड में लेके जाना है। आपने इस तरह से अटैच कर दिया, अच्छे से सील बना लीजिए और सील बनाने के बाद इस पिस्टन को आप धीरे धीरे बाहर लेके आइए। आप यहाँ तक लेके आ गए, उसके बाद इस तरह से आपको 1 से 2 मिनट तक रोक के रखना है। फिर धीरे धीरे आपको इसे वापस लेके जाना है। इस तरह से आप यहाँ तक लेके गए और उसके बाद फिर आपको वापस उसी तरह से 1 से 2 मिनट तक लेके आना है और रुकना है आपको। फिर आपको इसको वापस ले जाइए। इस तरह से आपको कम से कम 5 से 8 बार करना है, हर बार ब्रेस्टफीड से पहले। जो यहाँ पर वैक्यूम बन रहा है, इस वैक्यूम के बनने से निप्पल थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे। आपको अपने फिंगर से उसको होल्ड करना है और इसी कंडीशन में, इसी पोजीशन में बेबी से अटैच कर देना है और बेबी को ब्रेस्टफीड कराना स्टार्ट कर देना है। जब बेबी ब्रेस्टफीड कर रहा होगा उस टाइम बेबी भी एक सक्शन पैदा करेगा जिसकी वजह से ये वैसे ही प्रोमिनेंट रहेंगे और बेबी की ब्रेस्टफीड पूरी होने तक वो वैसे ही रहेगा। जब ब्रेस्टफीड पूरी हो जाएगी उसके बाद आप उसको डिटैच कर देंगे बेबी को, फिर ये वापस उसी तरह अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। इसीलिए आपको हर बार ब्रेस्टफीड कराने से पहले इस डिवाइस के साथ, इस सिरिंज वाली डिवाइस के साथ ये पूरा प्रोसेस करना है। करने के बाद ही आप ब्रेस्टफीड कराइए। आप इस तरह से आपको 5 से 8 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते तक आप करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कुछ हद तक और आपको फिर बेबी को अटैच कराने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरे नंबर पे हम जिस डिवाइस की बात करेंगे वो है ये ब्रेस्ट पंप। ब्रेस्ट पंप के जो पार्ट देख लिए, ये पिस्टन है जिससे कि हम वैक्यूम पैदा करते हैं और ये कलेक्टिंग बॉटल है जहाँ पे मिल्क सिक्रीट होने के बाद कलेक्ट होता है।
ये पार्ट मदर के साइड में जाता है, मदर के आंचल से अटैच होता है, और इसको अटैच करने के बाद इस तरह से आप सक्शन करते रहते हैं तो जो मिल्क है वो वैक्यूम से सक्शन होके यहाँ पर आगे कलेक्ट होता है। इससे दो फायदे हैं। पहला तो ये कि जब आपका बेबी अटैच नहीं हो पा रहा है, फीड नहीं ले पा रहा है, मदर से जो मिल्क है उसको सक नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर जो मिल्क कलेक्ट होगा उसको आप कटोरी चम्मच से या चिरागी पालदाई से आप बच्चों को पिला सकते हैं और बच्चे को अपना दूध दे सकते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि यहाँ पर जो वैक्यूम बनता है इस जगह पर, इस वैक्यूम के बनने से ये वैक्यूम हेल्प करता है जो निप्पल्स हैं उसको प्रोमिनेंट करने में, उसकी जो डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट करने में। तो एक साथ दोनों काम आपके हो जाते हैं। आप सिरिन और इस मेथड को दोनों को साथ साथ यूज़ करते रहिए, करीब 2 हफ्ते के बाद आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी और आपका जो बेबी है वो प्रॉपर तरीके से ब्रेस्टफीड कर पाएगा। अब बात करते हैं तीसरी डिवाइस की, जिसे हम निप्पल शील्ड बोलते हैं। ये देखिए, ये निप्पल शील्ड है, ये इसका ऊपर वाला पार्ट है जिससे कि सिलिकॉन निप्पल है, ये बेबी अपने से अटैच करता है और बेबी इसको सक करता है। और ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट है ये मदर के साइड में रहता है, मदर के आंचल से अटैच होता है। बेबी इस निप्पल को सक करता है, जिसके सक्शन से जो वैक्यूम बनता है उससे मदर के मिल्क सिक्रीट होकर बेबी के माउथ तक आता है। बेबी डायरेक्ट मदर से ना अटैच होकर यहाँ पर अटैच होता है। इससे फ़ायदा ये है कि जब तक आप सीन वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं और अभी बेबी अटैच नहीं हो पा रहा, तब तक आप इससे ब्रेस्टफीड करा सकते हैं। और इससे ब्रेस्टफीड कराने से फ़ायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। पहला चीज़ तो ये कि जो ये निप्पल है ये बेबी और मदर के बीच में एक बैरियर होता है, इससे ब्रेस्ट मिल्क को सक करने में बेबी को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं और जो उसका एफर्ट होता है उससे कंपेरिजन में जो ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन होता है वो कम होता है। बेबी ज़्यादा एफर्ट लगाने की वजह से थक जाता है और जल्दी ब्रेस्टफीड को छोड़ देता है। इस तरह से जो मदर का जो मिल्क है वो कम रिलीज होता है, कम निकलने की वजह से एक निगेटिव फीडबैक जाता है ब्रेन पे और धीरे धीरे ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन कम होने लगता है। तो अगर आप ये तरीका यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसको आप 2 हफ्ते से ज़्यादा बिल्कुल भी मत यूज़ करें। आप इसको तब स्टार्ट करें जब आपकी डिलीवरी हुई है और उसके बाद आप सिरिंज वाला मेथड भी साथ साथ यूज़ करते रहें। सिरिंज वाला मेथड से आपकी जो निप्पल हैं वो जब तक प्रोमिनेंट होते हैं तब तक आप इससे असिस्टेड फीड करा सकते हैं, और जैसे ही वो डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाए, निप्पल प्रोमिनेंट हो जाए, बाहर की तरफ आ जाए और आपका बेबी अटैच होने लगे, आप इस निप्पल शीट के यूज़ को बंद कर दीजिए। तो इन तीनों जो मैंने डिवाइस बताई हैं, इन तीनों जो मैंने तरीका बताया है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा जो हम रिकमेंड करते हैं वो सिरिंज वाला तरीका है। सिरिंज वाला तरीके को आप यूज़ करिए, उससे चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करिए। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये जो डिवाइसेस हैं, जो टेक्निक बताई हैं, उनमें से अगर कोई भी काम के लगी या किसी से आपने फ़ायदा उठाया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमें फीडबैक पे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बताई गई चीज़ों के अलावा अगर कोई डाउट है आपको, कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ब्रेस्टफीड नहीं करा पा रहे हैं, या न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करूँ। अपना प्यार हमारे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखिए और देखते रहिए हमारे चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।